नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। शहर के बाजारी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फोर व्हीलर वाहन चालक बीच बाजार में वाहन खड़े कर जाते हैं, जिसके वजह से राहगीरों और टू व्हीलर चालकों को आने जाने में असुविधा हो रही है। पुलिस चालानी कार्यवाही और वसूली के लिए शहर के बाहर देखी जाती है। इस वजह से इटारसी शहर की यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई है। शहर के जैसम चौक और इसके अलावा अन्य चौकों पर सवारी ऑटो से लेकर कार और लोडिंग ऑटो की वजह से आम लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोपहर और शाम को देखी जाती है। पुलिस की ओर से शहर के लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन रोजाना ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए देखा नहीं जा रहा है। यातायात पुलिस की ओर से रोजाना भैरव बाबा के पास नियमित रूप से वाहनों की चलानी की जा रही है, लेकिन शहर के अंदर ये कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके वजह से यहाँ के आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।